अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफ विद एडेली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैंने सोचा मैं आपके लिए ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई लेके आती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसको किस तरह बनाया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनके लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, चॉप अनियन चाहिए जो कि 2 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, और इसके साथ हमें चाहिए 1/2 कप योगर्ट, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और ये हम अदरक को इस तरह स्लाइसेस में काट लेंगे, और इसके साथ 1 टेबलस्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा धनिया चाहिए, और हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून भर कर नमक चाहिए, और 1 टेबलस्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। तो यहाँ हम कढ़ाई में 5 टेबलस्पून ऑयल की शामिल करेंगे, और उसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, देन हम उसमें अनियन शामिल कर देंगे। अनियन शामिल करने के बाद हम उसे लाइट ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। यहाँ हमारे प्याज लाइट ब्राउन होंगे तो हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन को भी हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, देन हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी हल्का ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ब्लैक पेपर के साथ। आप इसको सादी रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैं चिकन को तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, देन मैं इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, इसमें मैं 1/2 कप वाटर शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पहले नमक का भी शामिल किया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर लूँगी, देन इसमें 1/2 कप वाटर शामिल करके इसको थोड़ा सा हिलाकर इसके ऊपर मैं इसको कवर कर दूँगी 4-5 मिनट्स। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे, आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा रह गया। हम इसमें अब 1/2 कप योगर्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ मैंने चिकन भून लिया था, उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी जो मैंने आपको बताए थे, और फिर इसको 3 से 4 मिनट में भून लूँगी। जो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है स्पाइसेस ऐड करने के बाद। चिकन ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट होता है, तो बनाने में भी बहुत आसान होता है। चाहे आप चिकन कढ़ाई बना लें, कोरमा बना लें, या वैसे सादा सालन बना लें। तो इसके अलावा हम चिकन को एज अ बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और पुलाव में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है चिकन। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है जो कि 2 टेबलस्पून थी। इससे चिकन का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं जब भी रेसिपी ट्राई करती हूँ इसमें फ्रेश क्रीम ज़रूर ऐड करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मेरा चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर जो मैंने अदरक को स्लाइसेस में काटा था इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी जिससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा, और मैं इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स को भी ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो हमारी डिश रेडी है, इसको मैं एक बाउल में निकालूँगी ग्रीन चिलीज डालकर।
हमारा ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसका है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। आप इसको रोटी या नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ में सैलड भी ले लें आप। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फैशन वर्ड विद एडिली के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।